पता नहीं किसकी नजर लग गई, एक पड़ोसी मैं हूँ, इसकी मम्मी मैं हूँ। तो अभी ये सब लोग आगे हैं डॉक्टर के पास है कि आज मेरे बदले का बुखार मेरी माँ पे चले गया, पर इसको देख के बहुत बुरा लगता है क्योंकि और यहाँ टूरिस्ट इतने भयंकर आते हैं कि हर जगह यहाँ पे लाइन मैन के रूप में भी काम करते हैं, पर ये है ना जो इसकी करतूते। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से। हाँ, अगर मौसम की बात करें तो मौसम को देख के मुझे यहाँ इतना गुस्सा आ रहा है। यहाँ का मौसम इतना गंदा है कि इसी मौसम की वजह से मुझे ये मसूरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब तक हम उठे भी नहीं तब तक कुकी पड़ोस से अपने लिए पराठा लेके आ गई है, तो इसके ठाट है यार। जितने भी पड़ोसी हैं इसे कुछ ना कुछ देते रहते हैं और ये वहाँ जाती रहती है। तो अभी सुबह सुबह ये अपने लिए आलू का पराठा लेके आई है और हम अभी उठे भी नहीं है। कहीं से ये सुबह सुबह रस लेके आती है, कहीं से सेब लेके आती है, कहीं से पराठा लेके आती है। तो इसके एक हाथ में मकई, हाँ कहीं से ये मकई लेके आती है। इसके यहाँ ठाट ही ठाट है। कुकी अच्छा हो रहा? अच्छा हो रहा? क्या चाहिए कुकी? तो आलू के पराठे के साथ इसे चाहिए चाय। तो जाइए अपनी बेटी की फरमाइश पूरी कीजिए। और फाइनली इसकी माँ ने इसकी विश पूरी कर दी है। और देने के लिए ये इतनी हरामी है कि क्या ही बोले, देने के लिए एक टुकड़ा नहीं देती है। दे दो, बस ये हाल है इसके देने के लिए। मेरे पास और नंदीश के पास कुछ चीज हो, जब तक हम इसे देना तब तक ये पूरे घर में तमाशे कर देती है, पूरे घर को सर पे उठा लेती है। तो अभी हमारा नाश्ता बन गया है और आज के नाश्ते में मेरी माँ ने बनाई है पत्ता गोभी की सब्जी। ऐसी नाश्ता बनता है ये आ जाती है क्योंकि इसको पता है कि और इसे कोई खिला ही नहीं सकता है और औरों के पास ये खाती ही नहीं। और आज हम सब बीमार हैं, मैं, मेरी बहन की बेटी, मेरी बहन का बेटा, सब लोग हम आज अच्छे खासे बीमार पड़ रखे हैं। सिर्फ हमारे साथ मम्मी है जो ठीक है। तो अभी नाश्ता करने के बाद मैं और मेरी दीदी जा रहे हैं नंदीश के स्कूल में और उसकी मैम ने बोला था कि 10 बजे आ जाना इसे लेने के लिए क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं और ये मौसम है यहाँ का, इस मौसम को देख के गुस्सा नहीं आता है तो किस मौसम को देख के गुस्सा आएगा। अभी धुंध है और थोड़ी देर में इतनी भयंकर बारिश हो जाएगी, क्या ही बोले। हर एक अड्डे पे यहाँ पे बंदर बैठे रहते हैं और ये कुत्ते से भी नहीं डरते हैं। और नीचे जो घर है उसमें 3 कुत्ते हैं और तीनों कुत्ते बंदर के साथ ही रहते हैं। और ये अभी यहाँ पे लाइट की फिटिंग कर रहा है और दूसरा भी आ रहा है अभी, ये यहाँ पे लाइन मैन के रूप में भी काम करते हैं। और वैसे मुझे इस मसूरी को देख के इतना गुस्सा आता है और आजकल का जो यहाँ का मौसम है इसको देख के मूड स्विंग्स की दिक्कत मुझे पहले से थी और यहाँ मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि सारा गुस्सा मेरी बहन और मेरी मम्मी पे निकल रहा है। आजकल हमारी हालत इतनी ख़राब है कि लोग हमसे तेज चल रहे हैं। और जैसे यहाँ मौसम के बुरे हाल है वैसे यहाँ रोड के भी बुरे हाल है। इतनी छोटी रोड है और इतना लंबा लंबा जाम लगता है यहाँ पे। और कोहरा इतना भयंकर लगता है यहाँ पे कि आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और यहाँ टूरिस्ट इतने भयंकर आते हैं कि हर जगह यहाँ पे जाम लग जाता है। जहाँ तक अभी हम थे वो मेन रोड है, ये थोड़ा शॉर्टकट है और यहाँ भी हाल ऐसी है। और मुझे मसूरी पहले से ही पसंद नहीं है, मैं इतने साल देहरादून रही पर मसूरी में आज तक नहीं आई। मैं मसूरी तब आई जब मेरी बहन की शादी यहाँ हुई और ज़्यादा आना जाना मेरा तब से हुआ जब से नंदीश हुआ ना, मैं यहाँ पे कभी नहीं आई। और अगर मेरी बहन यहाँ नहीं होती तो मैं कभी आती भी नहीं क्योंकि मुझे यहाँ का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी नंदीश की सिस्टर से छुट्टी लेके नंदीश को हमने ला दिया है और इसकी भी आज हालत पूरी डाउन है। अभी मेरे बेटे को पेट दर्द भी हो रहा है, पर ये है ना जो इसकी करतूते है। इसकी मिस ने इसे बोला है कि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तब मत भेजा करो। परसों मैं इसे ऋषिकेश भी लेके गई थी, इसने इसीलिए उसे बुलाया कि इसके टेस्ट है। और अभी मिस ने साफ साफ बोला है कि जब भी इसकी तबीयत खराब हो, चाहे टेस्ट हो चाहे कुछ भी हो, बच्चे को मत भेजो क्योंकि बच्चा पूरे दिन भर स्कूल में परेशान रहता है। घुस गई तेरे दिमाग में अब बात? और ये अपनी मम्मी को यही समझा रहा है कि मेरा पेट दर्द हुआ, मुझे बुखार आया, तो इसको भी पता नहीं क्या हो गया। और ये जुखाम मेरे बेटे ने ही लाया था स्कूल से और मैंने उसे बोल दिया था मेरे साथ मत सो, पर इसको मेरे साथ ही सोना होता है तो इसने अभी जुखाम मुझे दे दिया है। बाकी आज फिर से पेट दर्द ये लेके आया है।
तो अभी हम नंदीश को डॉक्टर को दिखा के लेके आए हैं घर। और अभी हल्का फुल्का मौसम खुल गया है और मैं और मेरी माँ आ गए हैं बाहर पे, और माँ सोच में पड़ी है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, क्योंकि यहाँ का मौसम ना मुझे सूट हो रहा है और ना मेरी मम्मी को। ये कपड़े कम से कम 10 बार धूप में डालते हैं और 10 बार इनको अंदर ले जाया जाता है, और बंदर भी इनके ऊपर ऐसे ही चलते हैं। और खाना खाने के लिए ये तैयार नहीं होती है, खाना खाने के लिए इसे बड़ी मुश्किल से बनाना पड़ता है एक एक बाइट खाने के लिए। और इतना ठंडा है और लगी हुई है अनार खाने पे, और इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे इस पे इतना गुस्सा आता है। मेरा मन करता है कि अगर ये थोड़ा बड़ी होती मैं इसे इतना मारती कि ये याद करती सीधे। और मेरी मम्मी की लाडली आजकल मेरी मम्मी की खूब पिटाई कर रही है, और आज हम तीनों की ऐसी हालत है कि ना मैं अपनी गर्दन खड़ी कर पा रही हूँ, ना मेरी बहन और ना नंदीश। बेचारा भी जब से स्कूल से आया तब से ये पढ़ रखा है। मुझे पता चल रहा है कि मेरी बहन गर्मी में क्यों नहीं रह पाती है, क्योंकि अब मेरी बहन यहाँ के अकॉर्डिंग ढल गई है, इसलिए इसको अब गर्मी भी नहीं पसती है। मुझे ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंड, मेरी दोनों में हालत ख़राब हो जाती है। हम सोच रहे थे कि हम इन्हें डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद इसे बुखार नहीं आएगा, पर इसको अभी भी बुखार आ रहा है और मुझे भी। तो दिन के खाने में मेरी माँ ने आज बनाई है दाल और दलिया, और अभी हमारी कुकी भी उड़ गई है। और ये मुझसे बहुत भयंकर डरती है, पर मेरी माँ और अपनी माँ से बिल्कुल नहीं डरती है। मेरी मम्मी को ये इतना मार दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरी मम्मी की लगी हुई है ये बाल खींचने पे, और घूमने भी इसको मेरी माँ के साथ ही जाना होता है। और जब मैं इसे डांटती हूँ तब ये हाथ नहीं उठाती है, नहीं तो ये लगी हुई है मम्मी को पीटने पे। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसकी हो रही है। इतने दिनों से मेरी बहन बीमार थी, कैसे मेरी बहन थोड़ी ठीक हुई, वैसी बीमारी का ठेका इसने और मैंने ले लिया। बड़ों का तो चलो चलता है, पर इसको देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसकी तबीयत खराब होती नहीं है और जब होती है तो बहुत भयंकर होती है। और आज पूरे दिन भर इसे बुखार और उल्टी हो रही है। और इतने दिन हमें यहाँ हो गए, पर यहाँ काफी दिनों के बाद आज हमें हल्की फुल्की धूप देखने को मिली है। और एक चॉकलेट देते हैं हम इसे और इसकी ये हालत हो जाती है, पूरा मुँह भर देती है ये अपना चॉकलेट से। और आज है दूसरा दिन, आज मेरी तबीयत तो ठीक है, पर आज मेरे बदले का बुखार मेरी माँ पे चले गया है और नंदीश पे भी चले गया है और मेरी बहन पे तो है ही। तो आज इन सब की हालत खराब है, आज मैं और कुकी थोड़ा ठीक है। तो अब ये जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि इतने दिन से हमने ठेका ले रखा है कि जो डॉक्टर की कमाई होगी वो हमारे द्वारा ही होगी अब जितने दिन हम यहाँ रहेंगे। तो आज ये तीनों जा रहे हैं डॉक्टर के पास और मैं और कुकी रहेंगे घर में। तो अभी ये सब लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास से, क्या बोला डॉक्टर ने, ठीक है तो ऐसे बोला 8-10 दिन अभी सोते रहना आराम से। हमारी तैयारी है दिन का खाना बनाने की, क्योंकि आजकल इसकी वजह से लौकी लौकी खा खा के हम परेशान हो गए हैं। तो अभी दिन के लिए भी मैंने लौकी बनाई है। और ये इतनी बड़ी ड्रामे बात कि थोड़ा इसे डराओ, इसके ड्रामे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे ड्रामे होते हैं इसके। और अभी जितने में हमारा खाना बना उतने में यहाँ मौसम लगभग पूरा ख़राब था, और अभी कड़कती हुई धूप आ गई है। और यहाँ फ़ायदा ये है कि जब धूप आती है तो धूप अंदर ही आ जाती है, पर जब मौसम ख़राब रहता है तो तब क्या ही कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ के धूप सेकेंगे। और अभी लगभग शाम हो गई है तो हमने बना ली है चाय। और ये इतनी चालू है, क्या कर रही नंदू ये क्रीम, जिसमें क्रीम है ना और हरी है, इसमें नहीं है और मुझे दे दिया। तो हमने इसे दिए थे क्रीम बिस्किट, ये क्रीम क्रीम खा रही है, बाकी बचा हुआ बिस्किट इस लाटे को दे रही है और ये लाटा खा रहा है। क्रीम खत्म हो गई, खत्म हो गई, तो इसकी और झूठ इसके कि नन्नू खा रहा, खुद क्रीम खा खो के इल्जाम लगा देती है। और ये इससे 5 साल बड़ा है और ये इसको नन्नू बोलती है, तो सिखा नहीं सकता उसे कि मेरे को भैया बोल, बोलती है वो बोलती है। तो क्या करें, इसका ये भद्रकाली ही इतनी भयंकर है हमारे घर में कि इसने मेरे को भी पीछे छोड़ रखा है। तभी तभी आपको भी बोलती है लल्ली और तभी तभी आपको मौसी। हाँ बस इसने सबका नाम निकालने का ठेका ले रखा है। बेटे को पसंद है मिक्स सब्जी, तो आज इसकी तबीयत ठीक हो गई है, तो आज हम इसके लिए बना रहे हैं मिक्स सब्जी।
हाँ ननू एक कूड़ा भी ले जा। इसने इस बेचारे का पोछा बना के रखा हुआ है। अभी तक ये जा रखे थे पड़ोस में, तो अब ये आ गए हैं और आज ये पड़ोस से लेके आई है बिस्किट। तो इसके इतने मजे हैं यहाँ जितने मजे किसी के नहीं है। जिन देता कोई क्योंकि ये कहीं जाता ही नहीं है, बाकी ये सारे पड़ोसियों के घर में घूम के आती है। और आज मेरी माँ की हालत बहुत खराब हो गई है, तो इनको पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक उठ रहा है बिस्तर से तो दूसरा फिर पड़ रहा है, तो अब इनकी नज़र भी उतारनी पड़ेगी। हो सकता है ये इतने सुंदर हैं, इनको नज़र लग गई होगी किसी की, और खास करके इस सुंदर स्त्री को। तो तीन टाइम का खाना मुझे ही बनाना पड़ रहा है, और ऊपर से इसके बच्चे, इसकी पड़ोसी मैं हूँ, इसकी मम्मी मैं हूँ बोलने के लिए, इसकी मौसी मैं हूँ, इसका सब कुछ मैं हूँ। ये मेरे साथ ही रहता है, जब भी मैं आती हूँ तब भी ये कहीं नहीं जाता है। बाकी इसकी नानी और इसकी मम्मी भी आ रखी है, पर इन्हें इनसे कोई मतलब नहीं है। ये ऐसी रहता है, ये सोता भी ऐसी है मेरे साथ। और अभी लगभग रात हो गई है, हमने खाना खा लिया है, तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भोगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।